नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। अक्सर आप सुनते हैं राजनीतिक गलियारों में ये कभी कभी अटकलें लगती हैं कि अगर राजनीति बदली, परिस्थिति बदली, तो बीजेपी के साथ भी तेजस्वी यादव जा सकते हैं या फिर तेजस्वी यादव के साथ बीजेपी जा सकती है। लेकिन ये हंसी लगता है, क्योंकि लालू यादव का जो राजनीतिक इतिहास है उसको देखते हुए भरोसा नहीं होता कि आरजेडी का बीजेपी के साथ कोई समझौता हो सकता है। लेकिन जिस तरह का मामला मेघालय में सामने आया है, उससे तो यही लगता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। और राजनीति में कोई दोस्त नहीं और कोई अस्थाई दुश्मन भी नहीं होता है। बीजेपी कांग्रेस भी एक साथ हो सकती है, क्योंकि मेघालय में कांग्रेस और बीजेपी एक साथ गठबंधन की सरकार चलाने जा रही है। दो प्रतिद्वंदी कांग्रेस और बीजेपी मेघालय में एक ही साथ गठबंधन में है, और मेघालय में कांग्रेस पार्टी नेता लिंगदो के नेतृत्व में सभी पांच कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को समर्थन दिया है, जिसमें भाजपा भागीदार है। तो एक ऐसा गठबंधन जिसमें बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, ये बड़ा मजेदार बात है। पहली बार मुझे लगता है कि अपने देश की राजनीति में ऐसा हुआ है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार चलने जा रही है। लिंगदो ने कहा कि कांग्रेस नेताओं से ने संगमा के मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल होने का फैसला किया है। कांग्रेस के सभी पांच विधायकों ने आज संगमा से मुलाकात की और उन्हें अपना समर्थन पत्र दिया है। एनपीपी और कांग्रेस पारंपरिक प्रतिद्वंदी थे, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में कांग्रेस के 12 विधायकों के शामिल होने के बाद दोनों पार्टियां करीब आ गई हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता लिंगदो ने पत्रकारों से कहा कि हमने कोनार्ड के संगमा के नेतृत्व वाले एमडीए को अपना समर्थन दिया है और आज हम सरकार को मजबूत करने के लिए एमडीए गठबंधन में शामिल भी हो गए हैं। हम सीएलपी सदस्यों ने समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है और इसे मेघालय के मुख्यमंत्री को दे दिया है। उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे के हितों की रक्षा कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य हमारे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए न्याय की तलाश करना है। यानी नेता अपनी सुविधा के अनुसार राजनीति की परिभाषा गढ़ देते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार बयान भी दे देते हैं। बीजेपी कांग्रेस कभी एक साथ हो सकती है? आपने कभी सोचा होगा? शायद नहीं, लेकिन साथ हो गई तो अब सफाई ये दे रही है कि जनता के हितों का ध्यान रखते हुए, जनता को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। तो अगर मेघालय में बीजेपी कांग्रेस साथ सरकार चला सकती है तो बिहार में क्यों नहीं? तो बिहार में जो अटकलें चलती रही हैं उसको भी पूरी तरह से खारिज आप नहीं कर सकते हैं। और कैसे ये सरकार चलती है, कितने दिनों तक चलती है, ये देखने लायक बात होगी। क्योंकि कांग्रेस विधायक दल के नेता लिंगदो उन्होंने कहा कि हम पांच विधायकों ने फैसला किया है कि हम साथ हैं, क्योंकि हमें हुक्म देने वालों और हम कहाँ खड़े हैं के बीच बहुत अंतर है। मतलब केंद्रीय नेतृत्व चाहे या ना चाहे, स्थानीय राजनीति को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया, उनका कहना है। और स्थानीय राजनीति वजह हो या राष्ट्रीय राजनीति, अगर बीजेपी कांग्रेस की सरकार, गठबंधन की सरकार चल रही है या चलने जा रही है, तो ये बड़ी खबर है देश के लिए।